निकाल रहे होते हैं, मान लीजिए आप फॉरवर्ड फेस कर रहे हैं, तो आपको फॉरवर्ड फेस करने वक्त आप जब आपका मिरर, साइड व्यू मिरर। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, जब हम पार्किंग लॉट से निकलते हैं और हमारे साइड में दो गाड़ियां खड़ी हों, तो हमेशा हमें डर रहता है कि हमारी गाड़ी निकालने वक्त कहीं साथ वाली गाड़ी में ना लग जाए। तो इस ट्रिक को अगर आप अच्छे से समझ लें तो आपकी गाड़ी कभी भी साथ वाली गाड़ी के साथ नहीं टकराएगी। तो हमें क्या करना होता है, जब हम निकाल रहे होते हैं, मान लीजिए आप फॉरवर्ड फेस कर रहे हैं, तो आपको फॉरवर्ड फेस करने वक्त आपको गाड़ी, आपको अपने शोल्डर को गाड़ी के एंड के साथ अलाइन करना है। आपको शायद कैमरा में ये एंगल ना नज़र आ रहा हो, लेकिन मेरा शोल्डर ऑलमोस्ट इसके साथ अलाइन हो चुका है। जब ऐसा हो जाए तभी आपने स्टीयरिंग व्हील को घुमाना शुरू करना है, तब तक आपने सीधे ही जाना है। अगर आप इससे पहले टर्न करना शुरू करते हैं तो आपके चांसेस रहेंगे गाड़ी के साथ टकराने के। ये देखिए, अब मैं किस तरह से लेफ़्ट राइट चेक कर कर मैं निकल रहा हूँ और मेरी गाड़ी को काफ़ी जगह मिल गई निकलने के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही सेफ तरीका है गाड़ी को फॉरवर्ड में निकालने के लिए। और आइए अब बताता हूँ कि जब रिवर्स कर रहे हो तो आपको कब स्टीयरिंग व्हील टर्न करना चाहिए। अब मैं गाड़ी रिवर्स करने वाला हूँ, आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें टर्न करना होता है। तो अभी तक मैं सीधे जा रहा हूँ। जब आपका मिरर, साइड व्यू मिरर आपका गाड़ी के फ्रंट के साथ अलाइन हो जाए, फ्रंट या बैक जिस तरह से भी गाड़ी साथ वाली खड़ी हुई है, अब ये मेरा अलाइन हो चुका है, अब मैं टर्न करना शुरू कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आप साथ वाली गाड़ी में नहीं टकराएंगे और पीछे रिवर्स करते करते आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न कीजिए। चारों ओर देखते रहिए, आजू बाजू, और देखिए कितनी जगह है आपके निकलने के लिए। बहुत ही स्मूथ टर्न था दोस्तों। अगर आप ये ट्रिक समझ आते हैं तो आप कभी भी साथ वाली गाड़ी के साथ नहीं टकराएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक पर, ताकि बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल सके। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लाने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो।